जिले रानी कन्नौज है जहां अखिलेश यादव का आज नामांकन होना है। हमारी मौजूदगी इस वक्त कन्नौज के पार्टी कार्यालय में है जहां तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आपको मिलेंगे। राम गोविंद चौधरी जी मौजूद है, आईपी सिंह साहब मौजूद है, नरेशोत्तम पटेल जी भी आ गए हैं। पहला सवाल मैं राम गोविंद चौधरी जी से ही लूंगा, एकदम आप लोगों ने चौपाल यहाँ पर बिठा लिया है, बस अब नॉमिनेशन का इंतजार है, क्या कहेंगे कन्नौज को लेकर आप? कन्नौज किसी से कोई लड़ाई नहीं है हमारे राष्ट्रीय, आप तो बढ़िया से जानते हैं कि उन्होंने यहाँ टिकट दिया था तेज प्रताप को जी, लेकिन कन्नौज की केवल समाजवादी पार्टी नहीं, जनता पहुंच गई, हर जाति धर्म हर पार्टी के लोग पहुंच गए कि साहब कन्नौज आप चलिए, तब जनता के कहने पर आ रहे, पर न पार्टी के कहने से जनता इतनी पहुंची कि उनको अब मजबूरी में आना पड़ा। पहले वो नेता प्रतिपक्षी बने रहना चाहते थे, हाँ, तो अब जनता की बात तो कोई नहीं ना कर सकता, जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है। अच्छा, बीजेपी ने सुब्रत पाठक को रिपीट किया है और बीजेपी ये कह रही है कि सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अब मुकाबला बराबरी का होगा। सुब्रत पाठक से मुकाबला अखिलेश को मत करिए ना, उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से है और इसमें वो सर्वमान्य नेता हुए देश के, अखिलेश यादव उभर रहे हैं, सुब्रत पाठक तो कुछ ही नहीं है, कुछ ही नहीं, कुछ ही नहीं है, वो तो एमपी है, अखिलेश यादव एमपी बनाने वाले हैं, ये एमपी बनाने वाले हैं, वो एमपी है। जयंत कह रहे पार्टी में बड़ा कंफ्यूजन है, जयंत चौधरी बोले कि पार्टी में बड़ा कंफ्यूजन है जो बार बार उम्मीदवार बदले जाते हैं, उनके पार्टी के सारे लोग टूट के सपा में आ रहे हैं। जयंत चौधरी के बड़े बड़े नेता उनके नीतियों से क्षुब्ध हो करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, और भी देखिए तमाम नेता हैं। क्या माहौल है जनाब यहाँ? माहौल राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी का, और ये सीट 1967 से लोहिया जी यहाँ चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से, तब भी यहाँ से वो जीते थे, और उसके बाद 80 से लेके और अभी 2000 राष्ट्रीय छोटे सिंह यादव रहे, फिर जो है प्रदीप यादव रहे, फिर जो है हमारे जो है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अखिलेश जी रहे, डिम्पल जी भी रही, ये बीच में 2019 में किसी परिस्थितियों बाद ये तो समाजवादियों का गढ़ है। अच्छा ये बताइए आप लोग, आप तो पुराने नेता है यहाँ कन्नौज के, अगर तेज प्रताप यहाँ से चुनाव लड़ते तो क्या इम्पैक्ट होता? जीतते तो फिर भी हाँ, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ रहे हैं तो अब तो लाखों में जाएंगे, लाखों में जाएंगे जी जी, आप जो सोचे होंगे उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा से लीड करेंगे अखिलेश जी। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल एकदम जो है जो जनता यहाँ की जो है देखने से और लोगों से उत्साह से देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितना यहाँ के लोग सोचे होंगे, आप लोग सोचे होंगे उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा से लीड करेंगे। आप लोग ये बताइए, आप लोग तो काफी पुराने नेता नेताजी के समय से रहे हैं, तब में और अब में कितना अंतर दिखा दिखाया? चूंकि देखिए अब यूथ के हाथ में कमान है तो यूथ तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ के आएगा, हाँ। तो ऐसी बात नहीं है कि यूथ बहुत जोरदारी से काम भी कर रहा है, तो यही चेंज आया है और क्या है, नौजवानों के हाथ में कमान है तो नौजवान आगे बढ़ रहा है। आईपी सिंह साहब भी मौजूद है हमारे, आप ट्विटर पे बहुत छाए रहते हैं, आज आप कन्नौज के पार्टी कार्यालय में हैं। सुब्रत पाठक बार बार यही कह रहे हैं कि मुकाबला बराबरी का हुआ है और अब जो है पहले उन्होंने जो भी काम किया कन्नौज में वो मुख्यमंत्री रहते हुए करे, एक सांसद के तौर पर अखिलेश ने आके लिए कुछ नहीं किया? देखिए कन्नौज ऐतिहासिक भूमि है, हजारों साल का यहाँ का इतिहास है और पूरा यूरोप और एशिया, रोमा जो कम्युनिटी माइग्रेट हुई वो कन्नौज से आती है और इतिहास अपने को दोहराता है, तो देखेंगे आप कि 2004 एक बार फिर से रिपीट होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश इतिहास लिखेगा और 40+ सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीतकर एक मेजर पार्टी के रूप में हम इमर्ज हो रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि देश में जो इंडिया गठबंधन है उसका दूसरा सबसे बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी। तमाम देखिए तमाम बड़े चेहरे भी पार्टी के मौजूद हैं, नरेशोत्तम पटेल जी आ गए हैं यहाँ पर, आप देखिए राम गोविंद चौधरी जी भी आ गए, आप बात तो करिए हमसे, पहले बताइए आप मुझे क्या माहौल देख रहे हैं पार्टी का यहाँ? अभी तो मैंने बोल दिया, बोल दिया
माहौल तो आपको खुद दिख रहा है और पूरे देश में खुशी की लहर है कि अखिलेश यादव जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव जी दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। इससे बेहद खुशी किसानों में है, पिछड़े लोगों में है, गरीब लोगों में है और महिलाओं में है। उत्साह है अखिलेश यादव जी के चुनाव लड़ने से। मैं अभी घूम रहा हूँ यही कन्नौज में, माहौल है बहुत अच्छा माहौल है। बीजेपी जो बार बार ये कह रही है कि कंफ्यूजन है, उस पर क्या कहेंगे? देखिये बीजेपी में कंफ्यूजन हो गया आपकी बार बीजेपी में कंफ्यूजन है। कोई किसी को नहीं मान रहा है, सब बिल्कुल ऐसे जंगल राज चल रहा है। बनारस में पड़े हुए हैं, कंफ्यूजन किसे है तो आप डिसाइड करें। गर्मी बहुत है, गर्मी तो हाई है, नौजवानों में जो है। चुनाव में भी गर्मी है, ठंडा नहीं है, चुनाव में गर्मी है। हाँ बेशक, देख सकते हैं आप तमाम पार्टी के नेता हैं। बोलिए। ये भैया जी, ये सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी, पेपर लीक की समस्या है। यहाँ का युवा और यहाँ का नहीं प्रदेश का, देश का इतना प्रताड़ित है, इतना दुखी है रोजगार के लिए जो है, ये जो है बेरोजगार है, 60 लाख युवा बेरोजगार है। यहाँ पे मोदी की तानाशाही, हिटलर की भी नहीं चली, मोदी ने चलाई। ठीक है, तो देख सकते हैं आप तमाम, यहाँ पर आपने देखा समाजवादी पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे, महिलाएं भी हैं। क्या कुछ कहेंगी आप? आज नॉमिनेशन है, सुब्रत पाठक कह रहे हैं बराबरी का मुकाबला हो गया है। नहीं नहीं, कोई हमारे नेता के साथ किसी का बराबरी मुकाबला नहीं है। हमारा नेता हमारा नेता है, नेता के साथ किसी का बराबरी मुकाबला नहीं। कहाँ से है आप लोग? मैं यही कन्नौज। आप भी कन्नौज से? जी हम भी कन्नौज से। पिछले 5 साल में कुछ देखा है आपने? कुछ भी नहीं विकास हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ, बच्चों को ना नौकरी है ना चाकरी। सुब्रत पाठक कहते हैं कि जो भी ये काम अखिलेश यादव ने कराए वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर कराए, सांसद के तौर पर नहीं। कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, ना विकास हुआ, ना बच्चों की नौकरी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सीमा से बाहर हो चुकी है बहुत। देख सकते हैं आप, ये पूरे पार्टी के नेता थे, इनसे बातचीत की, वरिष्ठ नेता भी यहाँ पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है। अब आज नॉमिनेशन होना है, बड़ा दिन है, सामने सुब्रत पाठक है। फिलहाल पार्टी का ये कहना है मुकाबला अखिलेश बनाम सुब्रत का नहीं, बल्कि अखिलेश बनाम प्रधानमंत्री का है। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कन्नौज आज तक।